नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर मथुरा से। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के द्वारा ब्रज चिकित्सा रोड स्थित एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें मंच के द्वारा आज संगठन मंत्री पद पर बन्नी खान जी की नियुक्ति की गई है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने बन्नी खान जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया और बन्नी खान जी ने बताया कि अब जनपद की सभी समस्याओं को जल्द ही निजात दिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान बन्नी खान जी का स्वागत करने वालों में मेहराज अली, मुन्नबर हुसैन, शाकिर अली, जितेंद्र सिंह सहित विभिन्न कार्यकर्तागण उपस्थित स्थित रहे। आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता। कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है, कुछ कर गुजरने का जज्बा देखने को यहाँ हमको मिल रहा है। कैसी अनुभूति हो रही है आज, अनुभूति को अभिव्यक्ति देखेंगे। जनपद काफी ज्वलंत मुद्दों से घिरा हुआ है, उनको आप जो है कैसे मतलब यहाँ की समस्याओं का निदान करा पाओगे? संगठन के जो दिशा निर्देश जी चलिएगा, हम बता दें तो ये हमारे साथ रहते बन्ने खान, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के बैनर तले एक ब्रज चिकित्सा संस्थान रोड स्थित एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर बन्ने खान जी को आज जो है संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। और हम बता दें इस बैठक के दौरान उनका यही कहना है कि रैपिड एक्शन फोर्स हो या फिर अन्य केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान हैं, वो श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह पर मुस्तैद हैं काफी दिनों से, और वहां पर जिला प्रशासन मथुरा और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी कमर कस ली है। इसके मद्देनजर उनका यही कहना है जितेंद्र सिंह जी का कि जो है उनको मथुरा नगर की जो भी डैम्पियर नगर है, राधा वैली आपने सुना ही, पॉश कॉलोनियां है, वहां पर भ्रमण करना चाहिए, ना कि यहां पर जनमानस में भय पैदा करना है। यही उन्होंने संदेश दिया, आपने सुना ही इस बैठक के दौरान। हम बता दें यहां पर मुख्य रूप से जो है जितेंद्र सिंह, बन्ने खान, मुनव्वर हुसैन और जो है मेहराज अली आदि पदाधिकारी गण यहां मौजूद रहे। देखते रहिए आरपीएस समाचार, मैं हूं आपके साथ मथुरा से कृष्णा गुप्ता। रही है उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद से इस वक्त की ब्रज चिकित्सा संस्थान रोड क्षेत्र स्थित डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं आज जितेंद्र सिंह जी और बन्ने खान जी को आज जो है हम बताना चाहते हैं कि संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। जितेंद्र जी, क्या चल रहा है जहन में, कैसी अनुभूति हो रही है आज? बहुत बहुत अर्थ का आज हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए बहुत ही अर्थ का समय है कि मान्यवर साहब ने कहा था कि अकेला चलो कारवा अपने आप बन जाएगा, उसी संदर्भ में आज डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक अधिकार मंच के समस्त साथियों के साथ में विगत पिछले एक वर्ष से सांधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे संगठन के लिए, समाज के लिए हमारे भाई बन्ने खान जी, जिनको आज संगठन की सहमति पर, वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहमति पर जिले का संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। मैं संगठन की तरफ से भाई बन्ने खान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ एवं बधाई देना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से, बहुजन समाज के सभी साथियों से निवेदन करूंगा, अगर समाज में कुछ करना है तो हमारे संगठन से जरूर जुड़ें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार जी। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह की भारी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम सुरक्षा बल मुस्तैद है, यहाँ पर क्या आशंका जताई जा रही है? कुछ नहीं है, केवल समाज में, बहुजन समाज में भय पैदा करने के लिए जो रैपिड एक्शन फोर्स हो या आर्मी हो या पीएसी हो, उसको यहाँ पर हमारे बहुजन, जो हमारे बहुजन समाज है उसी के इलाकों में इनको घुमाया जा रहा है, फिराया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको रैपिड एक्शन फोर्स को राधा वैली भेजा जाए या फिर राधा विंटेज भेजा जाए या चौबिया पहाड़े में भेजा जाए, फिर कृष्णा नगर में भेजा जाए, डैम्पियर नगर में भेजा है, हम लोगों को भयभीत होने वाले नहीं है अब, क्योंकि हमारा कार्रवा बहुत ही आगे बढ़ने वाला है बहुत तेज़ी के साथ में। और एक बात और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जी कृष्ण की नगरी नहीं है, इतिहास इसका गवाह है,
और इतिहास के पन्नों को कुरेद के देखें, सभी साथियों से निवेदन है कि वो संग्रहालय जाएं। माता कीर्तने का ना तो बांसुरी का आपको कोई साक्ष्य मिलेगा, ना उसके कतूनों का साक्ष्य मिलेगा, ना उनका जन्म प्रमाण मिलेगा। ये केवल एक बौद्ध की नगरी है, मथुरा बौद्ध की नगरी है। कनिष्क राजा थे मथुरा के, उन्हीं के सानिध्य में यहाँ पर बौद्ध प्रतिमाओं का अनावरण हुआ था, काफी निर्माण हुआ था बौद्ध। तो ये रहे थे हमारे साथ जीतंदर जी और बन्ने खान जी। आज आपको संगठन खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।